हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स न्यूज NI Tours। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग गुरुवार को खत्म हो गई है। जहां वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई, तो वहीं कुछ जगहों पर EVM में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी झड़प होने की खबरें आंध्र प्रदेश से आ रही हैं, जहां तेलुगु देशम पार्टी और YSR कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में दोनों ही दलों के एक एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। राज्य के कुछ और हिस्सों में भी दोनों दलों के बीच झड़प हुई। महाराष्ट्र में नक्सलियों ने एक मतदान बूथ के सामने IED ब्लास्ट किया, जिसमें किसी की हताहत होने की खबरें नहीं मिली है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में वोटरों ने मतदान सूची में अपना नाम नहीं होने की शिकायतें की है। वहीं आपके अरविंद केजरीवाल, PDP की महबूबा मुफ्ती और TDP के चंद्रबाबू नायडू जैसे तमाम दलों के नेताओं ने प्रशासनिक चूक होने की शिकायतें की है। लोकसभा इलेक्शन 2019 का चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जहां पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश के 25, अरुणाचल प्रदेश के 2, असम के 5, बिहार के 4, छत्तीसगढ़ के 1, जम्मू एंड कश्मीर के 2, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 1, मेघालय के 2, मिजोरम के 1, तेलंगाना के 17, त्रिपुरा के 1, यूपी के 8, उत्तराखंड के 5, पश्चिम बंगाल के 2, अंडमान एंड निकोबार के 1 और लक्षद्वीप के 1 सीटों पर मतदान हुआ। प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी के राज्यों में कोई बड़ी झड़प होने की खबर नहीं आई है। हालांकि आंध्र प्रदेश में दोनों मुख्य क्षेत्रीय पार्टी TDP और YSR कांग्रेस अपने अपने कार्यकर्ता की मौत पर राजनीति करते हुए एक दूसरे पर इल्जाम गढ़ रहे हैं। हालांकि सभी लोग जल्द ही भूल जाएंगे, क्योंकि वहां की सभी 25 लोकसभा सीट और 175 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव एक साथ पहले ही चरण में हो गया। जहां चुनाव तो एक पार्टी जरूर जीतेगी और सत्ता का मजा लेगी, लेकिन चुनाव गांव में मरने वाले व्यक्ति की परिवार अनाथ हो गया, घर का सहारा छिन गया। व्यूअर्स न्यूज देशवासियों से अपील करती है कि मतदान करने जरूर जाएं, लेकिन याद रहे कि घर पर आपके लौटने का इंतजार कोई कर रहा है। देश को स्वच्छ और स्वस्थ वोटर बने। व्यूअर्स न्यूज ब्यूरो।